हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये एक्सरसाइज से तोरण बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, मेरे पास एक वेस्ट एक्सरा है। मैं इसे एक्सरे की 1 इंच की दूरी पर इस तरह से ये पत्तियाँ काट लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारी पत्तियां काट लेती हूँ। देखिए, ये पत्तियों की लंबाई 12 इंच है। अब हम एक पत्ती पर, देखिए ये मैंने एक रिबन ली है, ये ग्रीन कलर है। इस तरह से मैं इसको स्टेपनर कर लेती हूँ। अब हम इस तरह इसको कवर कर लेते हैं। देखिए, हल्का सा इसे दबा लेंगे। इस तरह से इसे दबाते हुए इस तरह से इसे कवर कर लेते हैं। आपके पास रिबन नहीं है तो ये ग्रीन ऊन से भी कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी पत्तियाँ, देखिए इसी तरह हम इस पत्ती को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर भी ये स्टेपनर कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से ये निकलेगी नहीं, इस तरह से ये हमारी पत्तियाँ बन जाएगी। देखिए, इस तरह से ये हमने सारी पत्तियों को कवर कर लिया है। अब हम इस तरह से ये दो पत्तियाँ लेंगे। देखिए, इस तरह से पहले एक पत्ती को इस तरह फोल्ड कर लेते हैं, फिर दूसरी पत्ती को इस तरह से। अब हम इन्हें सिल लेते हैं। इसी तरह से हम ये दोनों पत्तियों को सिल लेते हैं। देखिए, इस तरह अब इसमें हम गांठ लगा देंगे इस तरह से। अब हम दूसरी पत्ती लेंगे, इसको हमें इसमें बीच में रखना है। देखिए, बीच में ही रखना है इस तरह से। इसको भी हम इस सुई की मदद से सिल लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये हमारी पत्तियां बन गई है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। इस तरह से पहले हमें दो पत्तियां लेनी है इस तरह से, फिर हमें एक पत्ती को इस तरह बीच में रखकर सिल लेना है। इसी तरह हम ये सारी पत्तियां कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने एक स्टिक ली है, इस पर इस तरह से दो कीले लगा ली हैं। मैं आज आपको ये पॉम्पम बनाने बता देती हूँ। मैंने इस तोरण में जो पॉम्पम लगाए हैं मैंने किस तरह से बनाए हैं। देखिए, इस तरह से हम एक कील में इस तरह गांठ लगा लेते हैं। अब हम इस तरह से दोनों किलों पर उनको इस तरह से लपेट लेते हैं। इसी तरह हम 25-30 बार इसी तरह
इसको लपेट लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे ऊन को लपेट लिया है। अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम ये छोटे छोटे ऊन के धागे इस तरह से कट कर लेते हैं और देखिए ये 1 इंच की दूरी पर इस तरह इन्हें बांध लेते हैं। थोड़ा टाइट करके ही बांधना है। इस तरह से हम इन्हें देखिए इनके बीच की दूरी 1 इंच होनी चाहिए। इस तरह से इसी तरह हम ये ऊन को बांध लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये 1-1 इंच की दूरी पर ये बांध लिया है इस ऊन को। देखिए अब हम इसे इस तरह से बीच में से इस तरह कट कर लेते हैं। इस तरह से हम देखिए बीच में से इस तरह से हम काट लेते हैं। इसी तरह हम ये सारी उनको काट लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से ये हमारी ये पॉम्पॉम बन जाएंगे। इसी तरह से हम ये देखिए इस तरह से हमने ये 5 कलर में इस तरह से ये पॉम्पॉम बनाए हैं। देखिए मैंने कुछ मोती और इस तरह की ये घंटियाँ ली हैं और ये पॉम्पॉम लिए हैं। अब हम एक घंटी को इस तरह से ये देखिए गांठ लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसे गांठ लगा लेते हैं। अब हम एक पॉम्पॉम लेंगे, इसको भी इस तरह धागे में डाल लेते हैं। अब हम एक मोती डाल लेते हैं। इस तरह से ये एक लटकन बन जाएगी। अब हम ये एक पत्ती में देखिए इस तरह से ये बीच में लगा लेते हैं। ये एक ही पत्ती में लगानी है इस तरह से। इसी तरह हम ये दूसरी लटकन बना लेते हैं। अब हम दूसरी पत्ती में लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये गांठ लगा लेते हैं हम। अब हम ये एक और इस तरह की लटकन बनाएंगे। अब ये नीचे वाली पत्ती में लगा लेते हैं। इसी तरह हम ये एक घंटी वाली लटकन बनाकर देखिए ये सारी पत्तियों में लगा लेते हैं। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये बहुत सुंदर भी लगेंगी लगाने के बाद। देखिए इसी तरह से मैंने ये सारी पत्तियों को कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब मैं ये तोरण की पट्टी लेती हूँ इस तरह से। ये इस पट्टी को मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया है बनाना किस तरह से बनाई है। इस तरह से देखिए हमें थोड़ी पट्टी को छोड़ देना है। इस तरह से ये हम अपनी पत्तियाँ इस पट्टी पर लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसे सिल लेती हूँ।
अब हम ये एक पॉम पॉम लेंगे इस तरह से, पॉम पॉम को धागे के अंदर डालकर, देखिए जो जोड़ आया है हमारा, जोड़ पे लगा लेंगे, इससे जोड़ ढक जाएगा, दिखेगा नहीं। जहाँ पर हमने ये पत्तियाँ लगाई हैं इस तरह से, अब हम देखिए ये मैंने 7 इंच की दूरी पर इस तरह से ये दूसरी पत्ती को लगाया है। इसी तरह हम ये दूसरी पत्ती को भी लगा लेते हैं। इस पर भी हम इस तरह से इस जोड़ पर एक पॉम पॉम लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से इसमें गांठ लगा लेते हैं हम। देखिए इस तरह से अब हम ये सारी पत्तियां लगा लेते हैं। देखिए इस पट्टी में मैंने इस तरह की 5 पत्तियां लगाई हैं। अब हम ये जो बीच में जो जोड़ आया है इस पत्ती का, इस पर भी हम एक पॉम पॉम लगा लेते हैं इस तरह से। इसी तरह हम इस सारी पत्तियों के बीच में एक एक पॉम पॉम लगा लेते हैं। इनसे ये जोड़ ढक जाएगा। देखिए अब हम ये एक धागे में इस तरह से एक घंटी बांध लेते हैं। इस तरह से मैं इसमें गांठ लगा लेती हूँ। अब हम ये एक मोती लेंगे, मोती को इस तरह धागे में डाल लेते हैं। अब हम ये पॉम पॉम इसी तरह से हम ये धागे में ये पॉम पॉम डाल लेते हैं। देखिए इस तरह से एक लटकन बन जाएगी। अब हम ये इस तरह पट्टी पर लगा लेते हैं, इधर ही इस तरह किनारे पर लगा लेते हैं। अब हम ये एक लटकन इस तरह से पत्तियों के बीच में, देखिए बीच में ही लगानी है इस तरह से। ये मैंने इसको इस तरह से बीच में लगा लिया है। इसी तरह हम ये सारी पत्तियों पर लगा लेते हैं। देखिए मैं कुछ पॉम पॉम ये पत्तियों के बीच में लगा लेती हूँ इस तरह से। ये मैं ग्लू की मदद से लगा रही हूँ। इसी तरह हम ये पॉम पॉम सारी पत्तियों में लगा लेते हैं। देखिए ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।